निशाजी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ एक क्रीम का, जो है भाई मैंने इसका बहुत चुना, बहुत देखा मैंने कहा बहुत लोगों ने बोला कि आप रिव्यू करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रिव्यू हो ही जाए। कौन सी क्रीम का? गोल्डन परफ्यूम का। ठीक है, मैं ये रिव्यू करूँगी, ऑथेंटिक रिव्यू करूँगी, क्या डू है क्या डाय है ये सब आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं आपको इसको जो है बताऊंगी कि ये क्यों उनसे स्किन लगानी चाहिए, कौन सा स्किन नहीं लगानी चाहिए, और इसको ठीक तरीके से लगाने का तरीका भी मैं यही सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ गोल्डन पल का। ठीक है, गोल्डन पल क्रीम है, तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है क्योंकि मैं इसको पहले से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये इंडिया में बहुत आसानी से अवेलेबल, ठीक है, मिल जाएगी आपको, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके स्किन पे है डार्क स्पॉट, इस टाइम मैं इसलिए ऐसे बैठी हूँ, इस टाइम मैंने अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया। एक्चुअल में मेरी ये स्किन का कलर है, ये देख लीजिए, फेस देख लीजिए, नेक देख लीजिए, ये एक्चुअल में मेरी स्किन का कलर है। सिर्फ मैंने अभी शावर लिया है एंड जस्ट मैंने जो है वो ग्लॉस अप्लाई किया, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई मेकअप नहीं लगाया है, कोई वो नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई है फेस पर जो आपको लगे कि आपने फेस पर पहले से ही कुछ अप्लाई किया हुआ है, तो आप हमें बता रही नहीं। ये मेरी रॉ स्किन है, मैं इसको 1 वीक से पहले से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने इसका यूज़ रोक दिया था, अब मैंने दोबारा यूज़ किया है। आपने भी इसी तरह करना है, जैसे मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगी, तेल से समझाऊंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं, और एक आपने छोटा सा काम भी करना है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, करना क्या है, आपकी स्क्रीन पर ब्लैक कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, एक ब्लैक कलर का छोटा सा बटन आ रहा होगा, क्या करना है उसको क्लिक कर देना है, उससे मेरा चैनल मिल जाएगा सब्सक्राइब, और आप देखेंगे किस तरह का थंब का बटन आ रहा है, उससे मुझे मिल जाएगा एक लाइक। ये आपके करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो जब भी आप लोग देखें तो उसको ज़रूर क्लिक करके रख लें, उसको सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती हैं, अगर आप जो है नहीं देखेंगे तो फिर आप, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कभी आपको देखना होगा, तो आप मेरी वीडियोज़ कैसे देखेंगे। तो मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल से वीडियो का जो है डिटेल से आपको रिव्यू देने वाली हूँ गोल्डन पल क्रीम का। ठीक है, ये बहुत चल रही है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद है, ये इंडिया में आपको आराम से मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, इतनी महंगी भी नहीं है, इसकी प्राइस भी बिल्कुल कम है। इसकी प्राइस है जी 330 रुपीज़ है। ठीक है, 330 रुपीज़ है तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आपने लेते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो है कि ये ओरिजिनल है, फिर आपने ये देखना है कि ये कहीं फेक कॉपी तो नहीं है, फिर आपने ये देखना है कि पुरानी तो नहीं है। ठीक है, और आपने कितने टाइम तक एक जो है इसकी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है वो भी बता दूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं हम इसको, क्योंकि मैंने ओपन की हुई है तो पहले से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि देखिए ओपन किया है, देखिए यूज़ की हुई है, तो ये पहले से ही ओपन की हुई है। अब इसको जो है ना इसी तरह लगाना भी ठीक है, कंपनी ने बनाई है तो वो ऐसे ही लगाने के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग अपनी इसमें जो है ना कारस्तानी कह लें, हमने अपना इसमें ना कुछ मिलाना है। ठीक है, ताकि इसके जो है ना और भी बेनिफिट्स मिल सकें। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आपके चेहरे पर जो है वो निशानात हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक से जो है वो स्पॉट्स आ गए हैं, और आपको लगता है कि स्किन उस तरह के लिए, इस टाइम मेरी स्किन, मैं बार बार बता रही हूँ, इस पर कुछ नहीं, इस पर कोई क्रीम, कोई फाउंडेशन, कोई मेकअप मैंने अप्लाई नहीं, मैं बिल्कुल बस मैंने शावर लिया है और जस्ट मैंने ग्लॉस अप्लाई किया और मैं बैठ गई हूँ यूट्यूब बनाने। ठीक है, आपको ये नहीं लगे कि मैंने वाइटनिंग फॉर लेडी कोई चीज़ लगाई हुई है और आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें ये लगा दें, ये लगा दें, ये लगा दें, नहीं, मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अभी मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ, और किस तरह कर रही हूँ मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों की स्किन बिल्कुल मेरे जैसी लगे। अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते, कभी होता है इंसान का मूड नहीं होता है, हर वक्त आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते, हर वक्त आप क्रीम नहीं लगा सकते, हर वक्त आप वाइटनिंग चीज़ें नहीं लगा सकते, या मैं भी वही आपको बताऊँगी, हर वक्त आप मेकअप नहीं कर सकते, हर वक्त आप फाउंडेशन अगर कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करते, कभी आपको होता है कि विदाउट मेकअप भी मेरी स्किन ऐसी ही लगे जैसे वो नेचुरल है, जैसे सबको नज़र आ रही है, देखिए थोड़ी थोड़ी मेरी आई पफ हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग का ये टाइम है,
सुबह सुबह के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो करना क्या है, मेरे चैनल को लाइक और मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना बना लेते हैं। और इसको बनाना क्या, अच्छा इसमें डालना क्या है मैं ये आपको बता दूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे इंग्रीडियंट्स मिलते हैं डालने के लिए, लेकिन मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं करती हूँ वाइट वाले जो है ना वाइटनिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। ऐसे चिड़िया के अंडे लग रहे हैं, देखिए वाइटनिंग कैप्सूल होता है ये, देखिए ये आई होप आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये, ठीक है। आप मेरी स्किन भी देख लें, इसमें जो स्पॉट है वो सब नज़र आ रहे होंगे, जितने होंगे जो नहीं है वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी कोई भी मैं फ़िल्टर नहीं लगाती अपनी वीडियो में, तो नेचुरल जो भी मेरे फेस पे है। ये देखिए मेरी आई पफ हो रही है सुबह सुबह में। तो ये वाले जो है ना कैप्सूल हैं, ठीक है, इनको हमने किस तरह इसमें मिक्स करना है, क्या करना है। अच्छा, आपने ये वाले कैप्सूल इसमें इसलिए डालने हैं कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन में शाइन नहीं है, वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं बैठे बैठे मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। लेकिन ये क्रीम है, ठीक है, इस क्रीम को जो है ना हमने इसे करके निकाल लेना, मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, आपने ना पूरी क्रीम में वाइटनिंग वाला मिक्स नहीं करना है, जब जब आपको ज़रूरत है ना, जब जब आपने मिक्स करना है। अब मैंने इतनी सी क्रीम ले ली, ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसमें से क्रीम ले ली इतनी, ठीक है, इतनी क्रीम ले ली मैंने और इसको मैंने रख दिया। ये पूरी क्रीम आपने ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि आपने सिर्फ उतनी में ही डालना है जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। उतनी क्रीम में ही आप वाइटनिंग का कैप्सूल डालेंगे, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए 1 वीक में, फिर आप नहीं बना लें, कोई खाली कंटेनर ले लें उसमें डालें। आप पूरी क्रीम में डाल के पूरी क्रीम ख़राब नहीं करें, मैं इसलिए आपको मना करें कि लोग क्या करते हैं, पूरा लाते हैं और पूरी क्रीम के अंदर जो है एक उसमें कैप्सूल डाल देते हैं, जो भी होता है सब कुछ डाल देते हैं, पूरी क्रीम ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर जब हम इसमें अपनी कारस्तानी करते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हमें अगर चाहिए तो हमें यूज़ करनी है, तो क्या करना, हमने कम क्वान्टिटी में यूज़ करना ताकि आपको नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये हमने निकाली है इसमें, ये देखें आई होप आप हमको मुझे अपना, ठीक है, ये नज़र आ रही है, ये मैं यहीं पे रख देती हूँ, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये वाइट वाले कैप्सूल है ना, ये वाले, ये जो देखिए, ठीक है, ये वाइट वाले वाइटनिंग कैप्सूल पाए जाते हैं, आप मार्केट में जाएँ और इसको हल्का सा कट कर लें और फिर ये देखें, ये देखिए इस तरह से ये क्रीम फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्रीम फॉर्म में ये बाहर आएगा, इस मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्रीम फॉर्म में मिल गया, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इससे हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, हमारे चेहरे पे जो है वो निशानात हैं, और ये ऑलरेडी बहुत स्टिक होती है, तो इसका टेक्स्चर थोड़ा सा ना क्रीमी हो जाएगा, ऑलरेडी ये बहुत थिक होती है, जब आप स्किन पर लगाएंगे तो एक ही जगह स्टिक हो जाएगी। तो अगर हम इसमें ये कैप्सूल मिलाएँगे, ये देखिए सेकेंड वाला भी डाल रहे हैं, तो ये 2 कैप्सूल मैंने इसमें वाइटनिंग के लिए इसमें मिक्स कर दिए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा जो है आपने वाइटनिंग कैप्सूल नहीं डालने और ना बहुत ज़्यादा आपने अपनी क्रीम को, फिर इस तरह अपने फिंगर से इसको मिक्स करना है, इसी के कैप पे करना है अच्छी तरह से, देखिए, ठीक है। फिर आपके पास कोई खाली कंटेनर है, अच्छा साफ कंटेनर है, अच्छा जो भी कंटेनर में डालें देखें वो कंटेनर साफ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले से कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, या पहले से कोई चीज़ तो नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट उसमें डाल के रखेंगे वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगी, अपने हाथ आप क्लीन करेंगी जब भी फेस के बनाने की कोई चीज़ बनाए। मैं फिंगर्स इसलिए कर रही हूँ, तो मैं फिंगर से मुझे कम्फर्टेबल लगेगा, चम्मच से ये पूरी उसमें लग जाएगी तो महंगी क्रीम में ज़्यादा थोड़ी ना करेंगे, यूज़ थोड़ी ना करेंगे, जो हाथों पर लगी वो अपने हाथों पर लगा लेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे, बचत तो करनी है ना, जाया तो नहीं करनी ना। तो इस तरह इसको अच्छी तरह ना इसका इस तरह टेक्सचर इसका ना क्रीमी क्रीमी हो जाए। अब देखें ये वाला टेक्सचर देखें और ये वाला टेक्सचर देखें, ये देखें ये कितना स्टिकी है, ये देखिए कितना कम आ रहा है आपको, ठीक है। अब यही वाला ना, यही वाला, ये वाला मैं सेकेंड वाला फिंगर, ये देखें फ़र्क देख रही हैं आप, ठीक है, ये फ़र्क आएगा आपको इसको क्रीम मिलाने में, आपको ये फ़र्क मिलेगा, जो वो है वो बहुत स्टिकी है, वो आपके फेस पर एक बार लग जाता है तो स्टिक हो जाता है, फेस पर सही एप्लीकेशन नहीं होती है। वाइटनिंग के कैप्सूल लगाने डालने से आपकी एक तो आपकी स्किन और भी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा आपको इसको
मैं बताऊँ, मैं वाइटनिंग फेस का नहीं बोल रही, वाइटनिंग क्लीनिंग का नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे हो चुके हैं एक्चुअल में, जो आपकी स्किन है वो आपकी ज़रूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरे बालों को थोड़ा सा वाइट किया, मैंने शावर लिए तो वो पता नहीं एकदम ड्राइस हो गए, तो अगर आप उसको लगाएंगी तो उसको टाइम देख लें, एक आप लगा के धूप में नहीं जाएंगी। ठीक है, आप इसका यूज़ करेंगे नाइट में, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें कुछ मिला दिया है। ठीक है, जब आपने इसमें कैप्सूल मिला दिए तो आपने इसको नाइट में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना है। नाइट में इसका एप्लीकेशन, पहले फेस अपना अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर अपने फेस पर इसके एप्लीकेशन करके और फिर नाइट में छोड़ दें। मॉर्निंग में आप जो भी साबुन इस्तेमाल करती हैं, जो भी फेस वॉश यूज़ करती हैं, उसको अपने फेस पे जो है अप्लाई करें, उसको लगाएं और जेंटल हाथों से, हल्के हल्के हाथों से मसाज करके स्क्रीन को अपने फेस से रिमूव करें। एक्चुअली तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, रहेगी नहीं। ठीक है, लेकिन जो अगर आपने ऐसे इसको हल्का सा मसाज करना, रगड़ना नहीं है स्किन, ऑलरेडी इसमें ना ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी स्किन को जो है वो ब्लीचिंग, अच्छा पहले आपने हल्के थोड़ा सा टच देकर अपनी स्किन पर इसका यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने अगर आपको नुकसान दे रही तो भी, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता दूँ, ये आपकी स्किन पर वर्क ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने लिए हैं पैसे लेकिन आप उसको टाइम नहीं देंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें एटलीस्ट उसको 3 मंथ दें अपना वर्क करने। वैसे तो ये क्रीम आपको 2-3 दिन में, 1 वीक में ही अपना रिजल्ट दिखा देगी और सब आपसे पूछेंगे क्या लगा रही हैं आजकल आप, बड़ी आप ग्लो कर रही हैं, तो आप बताइएगा मैं लगा रही हूँ गोल्डन पर की क्रीम। ठीक है, बताना चाहती तो बता, वरना हम लड़कियाँ सीक्रेट बहुत ज़्यादा रखती हैं, बताती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपना सीक्रेट बता दिया, मैं लगाती हूँ। ठीक है, और मैं यूज़ भी करती हूँ, मैं इस बात की जो है एग्री करती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे छोटे छोटे से पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैं नहीं कहती मैं नहीं यूज़ करती, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो ही आप उनके लिए लेकर आती हूँ, उसी चीज़ का रिव्यू लेकर आती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी फेस को बताना चाहिए। ठीक है, आप मेरे हाथ भी देख लीजिए, मेरे कोई जो है ये एल्बोज ब्लैक नहीं है, आप मेरे जो है ये देखिए नकल्स देखिए, ये भी कोई ब्लैक नहीं है। ठीक है, कोई मेरे हाथों पर देख लीजिए, यहाँ मुझे कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट अपना फ़ोन ऐसे ही रखा है, कैमरा रख के ऐसे ही बना रही, कोई वाइटनिंग कोई लाइटनिंग कोई मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ, मैंने और कोई मैंने जो है वो फिल्टर नहीं डाला हुआ कि भाई मैं वाइट लग रही, नहीं, मैं जो स्किन मेरी है मैं वही आप लोगों से देखें, आपको मेरे आई वेज भी नज़र आ रही है, मेरे पूरी तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये मेरा हल्का सा ना पिगमेंटेशन का है ना, क्योंकि अब लगी मेरी स्किन। ठीक है, तो आपने इसी तरह अपनी क्रीम जो है लेनी है, उसको अच्छी तरह, अच्छा पूरी क्रीम ख़राब नहीं करनी है, आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, 1 वीक की बनानी है, 1 वीक की बनाकर दोबारा आपने दोबारा बना लेनी है। ठीक है, फिर आपने 1 वीक यूज़ की, फिर आपने बना ली, फिर आपने बनाई है, 1 वीक यूज़ की है, तो आपने उसको कर लेना। अब आपने इतनी ज़्यादा क्रीम मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कभी कभी जो है ना, मैंने नोटिस किया था, मैंने एक बार ये बना के रख दी थी, मैं आपको इसीलिए मना कर रही हूँ, मैंने बना के रख दी क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तरह, मैंने बना के रख दी थी तो क्या हुआ कि ये जो है ग्रीन हो गई, फंगस लग गया इसमें। तो आपके लिए ये आपके साथ नहीं हो, तो आपने करना क्या है, वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं, इसको जो है फिर अच्छी तरीके से अपने हाथों से इसको मिक्स कर लेना है, फिर किसी कंटेनर में यूज़ कर लेना है और उसके बाद आप इसके यूज़ देखें। आप नाइट में यूज़ करें, डे में यूज़ नहीं करें, फायर के पास जाएँ, आग के पास, चूल्हे के पास काम करें उसमें नहीं जाएँ, तो आपकी स्किन को ये कोई हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी स्किन पे कोई हार्मफुल होती है तो पहले ट्राई कर लें उसके बाद यूज़ करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, डिटेल से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, पूरी वीडियो को समझ के देखेंगे, जल्दी 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 स्किप करेंगे, आपको बीच में जो सारी बातें मैंने बताई समझाई वो सब रह जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।